अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ स्लाइस और स्लाइस मतलब किस कितने टाइप से उसके वो बताएंगे हम आपको। और नेक्स्ट जो यूनियन कमांड है वो ही बता देंगे, ज्वाइन कैसे करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप व्यू में आ जाएंगे और 2D वायरफ्रेम सेलेक्ट करवा दें। जेड एंटर, ए एंटर यूज फॉर जूम आउट। अच्छा, स्लाइस कमांड एक्चुअली अगर हम एक रेक्टेंगल को बना दें और इसको हम थर्ड डायमेंशन में ले जाएं, ठीक है, तो अगर इसको हमने जो है ना स्लाइस करना है, काटना है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक या किसी भी जगह पर हमने इसको जो है ना रिड्यूस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एक कॉर्नर को, तो बाय यूजिंग द स्लाइस कमांड। तो स्लाइस कमांड के लिए हम SL एंटर करते हैं, स्लाइस, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर एंड देन दी सेकेंड कॉर्नर। अभी ये कह रहा है कि कीप द बोथ साइड्स, या एक साइड को आपने ख़त्म करना है तो हमें जो ना बोथ साइड्स चाहिए। ये अभी ये ऑब्जेक्ट स्लाइस हो गया। आप इसको मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द गिज़्मो 3D मूव। यहाँ पर क्लिक करके हमें इसको इस रेड वाले डायरेक्शन में जो है ना इसको मूव करवाना चाहता हूँ। तो ये बन गया हमारे पास जो स्लाइस कर दिया हमने इस ऑब्जेक्ट को, इसका एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है। अब नेक्स्ट जो दूसरा स्लाइस है हमारे पास वो कैसे यूज कर सकते हैं, आप इसको मूव कर ले इस ऑब्जेक्ट को दोबारा जो है ना 3D बना देंगे। SL एंटर, वो 2 point स्लाइस था, ये वाला जो है ना हमने 3 point स्लाइस को करवाना है। तो 3 points पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। कीप द बोथ, बोथ पे, बोथ के लिए आप B को एंटर कर सकते हैं। अब ये वाला साइड इस सेम, इसको मैं जो है ना इरेज करना चाहता हूँ, ई एंटर, और इसको आप कॉपी कर लें। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। आप आसानी जो है ना इस तरह से स्टेयर्स बना सकते हैं। CP एंटर, और ये सारे कॉपी करवा के सही। अब इसको आप रियलिस्टिक में जाके चेक कर लें तो हर एक पॉइंट जो है ना वो फिक्स यहाँ पर लगा हुआ है। और 3D ऑर्बिट में आ जाए, 3D ऑर्बिट, इसका बैक साइड चेक कर ले आप, तो बैक साइड पे ये बिल्कुल स्मूथ होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ज्वाइन कमांड, यूनियन कमांड। इस ऑब्जेक्ट को जो है ना मैं यूनियन करवाना चाहता हूँ, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हमने बना दिया अभी यहाँ पर। इसके लिए आपने सारे स्टेयर्स को, सारे स्टेप्स को जो है ना वो सेलेक्ट करने हैं, राइट क्लिक। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँ इस साइड पे, फ्रंट से अगर हम इसको देख ले या
अब यहां पर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, मिररिंग कैसे करेंगे इसका, के मतलब 3D मिरर के इसका एक साइड उस साइड पे भी आ जाए, मतलब ऐसी स्टेयर्स का। तो 3D मिरर के लिए आपने, अगर हम जो है ना यहाँ से दूसरा स्टेप क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने 3D मिरर को सिलेक्ट करवाना है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, और जो थर्ड पॉइंट है वो भी ये वाला ही सेलेक्ट करवा दें। अब ये कह रहे हैं कि डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, तो हमने जो है ना यहाँ पर एन क्लिक करने के सोर्स ऑब्जेक्ट को हमने डिलीट नहीं करवाना है। थ्री डी मेरो, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। अच्छा, अब इसको उठा के मूव कर ले यहां से, इसको जो है ना क्लिक करके यहाँ पर ले आए। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को आप देख ले यहाँ पर 3D ऑर्बिट, जो यहाँ पर हमने इसको जो है ना एक ब्लॉक बनाना है, क्योंकि ये एक चौक टाइप है यहाँ पर। तो सिमेट्रिक टॉप व्यू में आ जाए, और इसी एंटर, और यहाँ पर जो है ना आप इसको मूव कर ले। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसके ऊपर प्रेस पुल कमांड वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि प्लेन से ऊपर है ये जगह। या तो आप ऐसा करें इसको प्लेन के ऊपर ले आए, ठीक है, और या यहाँ पर इसके लिए जेड एक्सिस जो है ना वो आप बना दें, जेड वेक्टर को आपने बनाना है, तो जेड वेक्टर पे आप क्लिक कर लें या और इसे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करवा दें और जेड एक्सिस को डिफाइन करवाए कि हम हमारे पास जेड एक्सिस ये है। अभी यहां से जो है ना प्रेस पुल कमांड को उठा सकते हैं, स्पेसिफाई एन बाउंड्री एंड देन क्लिक इट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास इसका जो मतलब जो रेक्टेंगल या जो भी 2D ऑब्जेक्ट आप लोगों ने थर्ड डायमेंशन में स्पेस में बनाई है और उस स्पेस में उसके लिए कोई प्लेन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है ना वेक्टर डिफाइन करवा दें, यहाँ पर इसके लिए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करवाने हैं हमें, कौन सा एक्सिस यहाँ पर हम जनरेट करना चाहते हैं, जेड एक्सिस। ठीक है, तो फिर जो है ना हमारा एक्सट्रूड कमांड या प्रेस पुल या लोफ जो भी कमांड है वो हम आसानी इसमें से डाल सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।